यूपी की वृद्धावस्था पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। पेंशन का पैसा मिलना शुरू हो गया है। देखिए, जुलाई, अगस्त और सितंबर के लोग पेंशन का इंतज़ार कर रहे थे, अब पेंशन का पैसा डलना शुरू हो गया है। सभी के खाते में 3,000-3,000 रुपये भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा जिन लोगों की पेंशन रुकी हुई पेंशन का भी पैसा डाला जा रहा है। वृद्धा पेंशन का आप पैसा कैसे चेक करेंगे, आपको पेंशन का पैसा मिला नहीं मिला, कितना पेंशन का पैसा आया, आप कैसे चेक करेंगे, आगे वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ऐसे ही वीडियो की जानकारी पाने के लिए। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना होगा। इस आर्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप सीधे इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है वृद्धा पेंशन का पैसा चेक करें डीबीटी वाला, तो इसी पर आपको आ जाना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है ट्रैक डीबीटी डिटेल, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है ट्रैक डीबीटी डिटेल, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दिया है डीबीटी स्टेटस ऑफ बेनिफिशरी एंड पेमेंट डिटेल। तो सबसे पहले यहाँ पर कैटेगरी में आपको यहाँ पर कैटेगरी, अगर आप वृद्धा पेंशन की चेक करें तो कैटेगरी में यहाँ पर सबसे नीचे आएंगे एनी अदर वाला आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको पेमेंट को रहने देना है, यहाँ पर आपको पेमेंट सेलेक्ट करना है डीबीटी स्टेटस में। और नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है एप्लीकेशन आईडी, तो एप्लीकेशन आईडी में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डाल देना है, 11 या 12 अंकों का, जितना भी अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर है अपना, यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर देना है एप्लीकेशन आईडी वाले कॉलम में। इसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करना है। यहाँ पर देखिए कैप्चा आपको देखने को मिल रहा है, कैप्चा फिल करना है। नीचे यहाँ पर सर्च का बटन दिया हुआ है, सर्च वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने पेमेंट डिटेल ओपन हो जाएगी। अगर आपको पेमेंट मिला होगा या पेमेंट फेल्ड हुआ होगा तभी ये पेमेंट डिटेल ओपन होगी। अगर आपके नो रिकॉर्ड दिखाता है तो आपको अभी तक पेंशन का पैसा नहीं मिला है। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए पहले इनको 10 अगस्त को पैसा मिला हुआ है, 3,000 रुपये खाते में आए हुए हैं 10 अगस्त को। मैं यहाँ पर देखिए आपको डेट दिखा रहा हूँ, 10 अगस्त को 3,000 रुपये खाते में आए हुए हैं। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए एक नई बेनिफिशरी ऐड की गई है, नया बेनिफिशरी यहाँ पर बनाया गया है जो कि 4 अक्टूबर को बनाया गया था जो कि रिजेक्टेड हो गया है। यहाँ पर देखिए रिजेक्टेड दिखा रहा है। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए कारण दिया हुआ है, जबकि इनका आधार सीडिंग है। फिर इनकी यहाँ पर बेनिफिशरी 5 अक्टूबर को क्रिएट की गई है, 5 अक्टूबर को फिर से बनाई गई है। यहाँ पर देखिए क्रिएट सक्सेसफुली हो चुका है और 3,000 रुपये खाते में डाल दिए गए हैं जो कि अंडर प्रोसेस में है। यहाँ पर देखिए फंड स्टेटस वाले कॉलम में यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिल जाएगा अंडर प्रोसेसिंग, तो यानी कि अंडर प्रोसेसिंग विद एजेंसी 5 अक्टूबर को पेमेंट डाला गया है जो कि अंडर प्रोसेस में है अभी, ठीक है। तो आज कुछ लोगों को पेंशन का पैसा मिला भी हुआ है, वृद्धा पेंशन का पैसा आया भी हुआ है। और नीचे आप देखें तो यहाँ पर देखिए क्रेडिट स्टेटस आपको देखने को मिलेगा, तो पेमेंट पेंडिंग यहाँ पर देखिए अभी दिखा रहा है, कुछ ही दिनों में पेमेंट ऐड हो जाएगा। हो सकता है ये मंडे को ऐड हो जाए या मंगलवार को ऐड हो जाए, 1 से 2 दिन में यहाँ पर पेंशन का पैसा, वृद्धा पेंशन का पैसा ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपको पेंशन का पैसा मिला है या नहीं मिला है, कितना पेंशन का पैसा आया है, पेमेंट का स्टेटस क्या है, सारी जानकारी आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।